नंदकिशोर गौड़ तहसील अध्यक्ष की चुनिया अपनी भारतवर्षी गौड़ महासभा। आप लोग इतने संख्या में तहसील में क्या कर रहे हैं? हम लोग का सारा साक्ष्य साबुत होने के बावजूद भी लेखपाल द्वारा जो है हिला वाले किया जा रहा है, साक्ष्य के बावजूद भी हमारा जात प्रमाण पत्र खारिज हो जा रहा है, जबकि तहसील लेखपालों से पूछा जा रहा है कि आप क्यों खारिज कर रहे हैं, तो सारे लेखपाल एक ही जवाब दे रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने मना किया था। जबकि हमने कल राजेश यादव लेखपाल का जब हम सारे स्वजाति बंधु घेराव किए तो उन्होंने कहा कि चलिए तहसीलदार से मना किया था, हमने कहा चलिए पूछाइए, आने के बाद यहाँ से भागना शुरू कर दिए, फिर भागकर ऊपर गए छत पर, फिर जाने के बाद भी वहाँ पर सारे लोग पहुँच गए लेकिन ये कोई जवाब नहीं दिए। सारे साक्ष्य के बाद ये निरुत्तर हो चुके हैं, खाली हिला हवाली कर को हम सारे स्वजाति बंधु को भटकाया जा रहा है। तो आप लोग कब से तहसील में आप लोग दौड़ रहे हैं इस कार्य के लिए? अरे महीनों से का ऊपर होगा, 3-4 महीना से हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है इस प्रकार से। आप लोगों के तहसीलदार साहब से कोई बात हुई थी? तहसीलदार साहब ने स्पष्ट कर दिया कि सारे लेखपालों को हमने आदेशित कर दिया है कि जात प्रमाण पत्र जिसका सही उसका जारी हो, लेकिन सारे लेखपाल जो है कि आनाकानी करते हुए इधर उधर की बात करते हुए टाल दे रहे हैं। इसका मतलब तहसीलदार के बातों का अवहेलना कर रहे हैं लेखपाल? लेखपाल साहब तहसीलदार के बातों का अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि जो भी साक्ष्य अगर लेखपाल साहब अपने लेखपाल रिपोर्ट कर रहे हैं तो तहसीलदार के पोर्टल से हमारा जात प्रमाण पत्र नहीं रोका जा रहा है। आखिर में जात प्रमाण पत्र जब आपने कोर्ट ने आपको आदेशित कर दिया है और इसके बाद भी इतने दिनों से आप चक्कर काट रहे हैं, इसके बाद भी आपके जात प्रमाण पत्र इशू नहीं किया जा रहा है, इसका सीधा सा सर खंडा है कि सारे लेखपाल बेलगाम हो चुके हैं, यहाँ तक कि तहसीलदार की बातों को भी मानने से इनकार कर चुके हैं, ये सब लोग मनमानी कर रहे हैं, हम गौड़ समाज पर सीधा सीधा अत्याचार हो रहा है। जैसे लेखपाल द्वारा हमने अभी लेखपाल से भी बात की तो लेखपाल ने इस बात को कहा कि गौड़ और गौड़ दो जातियों में उन्होंने भिन्नता बताई है और उन्होंने यह बताया कि यह गौंड जाति के लिए, गौंड जाति के नहीं, जो इसमें क्या हम आप इसके बारे में क्या बताएंगे? इसके बारे में शासनादेश उनको हमने हाईकोर्ट का निर्णय दे दिया है कि गौंड 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 तीनों एक ही है, शासनादेश 2010 का उसमें लिखा है, 2012 में भी लिख दिया गया है, कोर्ट ने निर्णय कर दिया गौंड 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 तीनों एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं। तो जब शासनादेश को आपने दिखाया, शासनादेश में तीनों चीजें जब लिखी हैं, तो फिर यहाँ आपको इतनी भीड़ इकट्ठा, सारे स्वजाति बंधु इतनी भीड़ इकट्ठा करके रोज रोज दौड़ने क्या स्थिति? इतना ही नहीं, हमारे समाज के पूर्व कमिश्नर कमलेश नारायण जी ने सारा साक्ष्य और साबूत हाई कोर्ट का निर्णय तक जहाँ जितना भी आदेश है गौंड गौंड पर सारे का निरुत्तर करते हुए हमारे सारे जितना भी लेखपाल थे और तहसीलदार साहब के बीच में और गौंड समाज के बीच में लेखपाल कार्यालय में जो है मीटिंग हुआ था और सारा बुकलेट उनको दे दिया गया। तहसीलदार साहब ने स्पष्ट कहा कि जो आप लोग यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि जाति स्पष्ट नहीं है, जाति गलत है या साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, सरासर गलत है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया लेखपालों पर, फिर भी यह लेखपाल जो है मनमानी करते हुए अपने ढंग से रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि लेखपाल तहसीलदार साहब ने स्पष्ट कहा कि नहीं जो भी आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं सरासर गलत है, फिर भी मनमानी चल रही है। इसकी शिकायत किसी बड़े अधिकारी के आप लोग की? अभी हम लोग परसों के डेट में गए थे, DM महोदया जी को पत्रक दिया, पत्रक के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं जिसका जाति प्रमाण, तुरंत उन्होंने सदर तहसीलदार को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बताओ कि ये लोग इतने संख्या में आए हैं इसका क्या मतलब है, का सर फार्म जांच हो रहा है, कितने महीने से जांच हो रहा है, 350 प्लस आपके पास फार्म है, उसका क्या हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट लगा, तो उन्होंने आनाकानी करते हुए कहा कि ठीक है सर करते हुए बात को टालना चाहिए, लेकिन DM महोदया ने स्पष्ट कहा कि आज शाम तक सारे का हमको रिपोर्ट लगकर चाहिए, शाम तक इसका लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए और जितना भी गौड़ बंधु हैं इनका जो है कि लिस्ट लगाकर जिनका साथ रिपोर्ट लगा उनको, उसके बावजूद भी आप लोगों का काम नहीं, इसके बावजूद भी हमारा जात प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है। सुनने को मिला है कि आज लेखपाल साहब से और तहसीलदार महोदय से हमारी आपकी कागजी कार्रवाई सब पूरी है? सारी कागजी कार्रवाई हमारी पूरी है, हमारा कोई कागज में कोई त्रुटि हो तो हमने कहा कि जो भी त्रुटि हो हमको बता दीजिए, लेकिन यह सब लोग खाली घुमाने के बात कर रहे हैं और इसमें कुछ। कल आपके स्वजातीय बंधु कल तहसील पे आए थे और लेखपाल का घेराव अभी शायद हमने सुना के किए थे जी सर, और आपने तहसीलदार से आपकी वार्ता हुई कल? तहसीलदार साहब से कल वार्ता के लिए हम लोग रुके थे कि लेखपाल संघ के अध्यक्ष रमेश राम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तहसीलदार साहब से कुछ लेखपालों को लेकर इस बार स्पष्ट हमने कहा कि सर यस या नो का हमके जवाब दीजिए, जात प्रमाण पत्र बोर्ड जांच का बनाना है कि नहीं बनाना, अगर नहीं बनाना तो अभी बता दीजिए हम नहीं आएंगे। अगर ये लोग न बना रहे हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या हो? अगला कदम तो हम लोग उठा चुके हैं, जबकि 22/6/2023 को विशाल धरना प्रदर्शन गाजीपुर में हुआ था, उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में राइफल क्लब में मीटिंग हुई थी सीआरओ साहब के अध्यक्षता में, तो उसमें निर्णय लिया गया कि
3 नवंबर 2021 का शासनादेश का अनुपालन करते हुए गौण जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यह कार्यवृत्ति सारे लेखपाल तहसीलदारों को उपलब्ध हो गई है, लेकिन इसके बाद भी लेखपाल इस कार्यवृत्ति का पालन नहीं कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।